नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। कटनी जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप मुनिया ने कहा कि कोरोना के आपदा काल में नर्सों की अस्थायी रूप से भर्ती की जा रही है, उनके रहने खाने और सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था भी की जा रही है, उनको किसी प्रकार से असुरक्षित महसूस नहीं होने दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछली बार अव्यवस्था होने के कारण नर्सों को बहुत परेशान होना पड़ा था। जो अभी वर्तमान में नर्स और मुख्य चिकित्सा में जो मेडिकल ऑफिसर वगैरह के जो भर्ती के लिए अपन ने मांगे हुए हैं सर, तो उसमें अपने ये देखिए क्या सुरक्षा है जो नर्स भर्ती होती है और उसके बाद उनके लिए अपन क्या सुरक्षा दे रहे हैं, और जो पिछले कोरोना में जो असुविधाएँ थे और जो वर्तमान में सर इस वक्त सुना है कि आप क्या व्यवस्थाएँ बना रहे हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में सर थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए, माननीय कलेक्टर साहब के आह्वान पे हमारे को जो है ना कुछ वैकेंसीज हमने निकाली हैं डिफरेंट कैडर्स की, मेडिकल ऑफिसर हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, इसके लिए तो इनके लिए बराबर एकोमोडेशन और खाने का जो भी पूरा इंतज़ाम जो है ना पूरे इनको प्रॉपर रहने और उन सबकी व्यवस्था करी जाएगी, कहीं किसी तरह से कोई इनको परेशानी नहीं आने देगी। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, डॉक्टर प्रदीप मुड़िया में CMH। कटनी से खबर समय जगत के लिए हसन रसीद की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.